विज्ञान का तरीका क्या है, हम गेस करते हैं, और फिर वो गेस अगर एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव होता है तो हम ये कहते हैं कि ये साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन फिर भी उस फैक्ट को अलग अलग जगह पे रिप्रोड्यूस किया जाना संभव हो, यानी कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट में भी सेम रिज़ल्ट आ रहा हो, तब तो माना जाएगा पक्के तौर पर कि ये साइंटिफिक फैक्ट है। जो गेस है उसे कहते हैं हाइपोथेसिस, अवधारणा। जो उस पर वर्क होता है उसे बोलते हैं थीसिस, और जो निकल के आता है वो होता है साइंटिफिक फैक्ट। मान लीजिए किसी डॉक्टर ने ये कहा कि मैंने एक दवा की खोज की है और किसी पेशेंट को दिया और वो ठीक हो गया, विज्ञान उसे दवा नहीं मानता, ये एनिकडोटल रिपोर्ट्स हैं। तो हमें इस दवा को दवा कहने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसे बोलते हैं रेंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड केस कंट्रोल ट्रायल्स, और ये कई फेजेस में होते हैं। पहला चरण ये होता है कि कुछ पेशेंट्स का ग्रुप बनाया जाता है और कुछ उन लोगों का ग्रुप बनाया जाता है जो पेशेंट्स नहीं हैं, तो इसे बोलते हैं केसेस और कंट्रोल्स, और इन दोनों को दवाइयाँ दी जाती हैं और देखा जाता है कि सामान्य व्यक्ति में कोई फ़र्क पड़ रहा है, मरीज में कोई फ़र्क पड़ रहा है, और दोनों में कोई सिग्निफिकेंट स्टेटिस्टिकल फ़र्क है भी कि नहीं। लेकिन इस प्रयोग के दौरान डॉक्टर और मरीज दोनों ही बायस हो सकते हैं। हो सकता है मरीज को ये लगे कि मुझे दवा दी जा रही तो वो कहे कि हाँ हाँ फ़ायदा हुआ, जबकि उतना नहीं हो रहा था। तो इसके लिए किया जाता है ब्लाइंडिंग, यानी पेशेंट को हम बताते भी नहीं कि तुम्हें दवा दी जा रही है या सादी गोली। अगर ऐसा भी हमने किया तो भी हो सकता है डॉक्टर जो रिपोर्ट्स लिख रहा हो वो बायस हो जाए, वो कहे कि भाई जो पेशेंट नहीं भी कह रहा है वो भी हो सकता है कि उस ग्रुप में ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए क्योंकि उसे दवा दी जा रही है, दूसरे को कम मिलना चाहिए, तो हमें डॉक्टर को भी नहीं बताना होगा। तो इसे बोलते हैं डबल ब्लाइंडिंग, डॉक्टर और पेशेंट दोनों को नहीं पता है कि किसे दवा दी जा रही है किसे नहीं दी जा रही है, या किसी को भी दी भी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। तब डॉक्टर के जो रिजल्ट्स होंगे केस और कंट्रोल दोनों में बराबर होंगे, पेशेंट्स का जो कहना होगा वो भी दोनों में बराबर होगा। तो हम इस तरह के बायसेस को रिमूव करते हैं। और तीसरी चीज़ है रेंडमाइज्ड, यानी कि हमें एक ही प्रकार के एज, सेक्स या जियोग्राफिकल लोकेशन में अगर हम ये सर्वे करेंगे तो हमारा ये सर्वे ठीक नहीं है, हमें रेंडम सैम्पल्स कलेक्शन करने होंगे। और अगर इसमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो इसी प्रकार के दूसरे स्टडी में भी सेम मिलता है तब वो दवा दवा कहलाएगी, लेकिन फिर भी उसे मार्केट में आने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि उसे पॉपुलेशन में लॉन्च करना पड़ेगा, फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री ट्रायल्स में, थोड़े लोगों में, ज़्यादा बड़े एरिया में और एक पूरे बड़े देश में। और उनके रिजल्ट्स को कुछ सालों तक स्टडी करने के बाद ये अप्रूवल मिलता है कि हाँ ये दवा साइंटिफिक दवा है और ये काम करती है। यही वजह है कि जो एलोपैथी